हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन नर्सिंग अप। नर्सिंग अप में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स नर्सिंग 2021 का जो पेपर था उसके शिफ्ट टू में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसका डिस्कशन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक इमेज दी गई थी और आपको इसका नाम बताना था। तो इस इमेज का नाम क्या है आपको मालूम ही होगा। इसका नाम है एसेप्टो सीरिंज है, ठीक है। इसका हम यूज़ कब करते हैं, तो इसका यूज़ हम ब्लेडर इरिगेशन में इसका यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं। दूसरा आपको ये इमेज दिया गया था कि ये इस इमेज का नाम क्या है, इसको आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। इसका नाम है थायराइड डिट्रैक्टर। आपको इसका यूज़ हम कब करते हैं, तो थायराइड डिट्रैक्टर है इसका यूज़ हम थायराइड की जो सर्जरी होती है, जैसे कि थायराइडोमी हो गई, थायराइड की सर्जरी है, इसका सर्जरी में हम इसका यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं। आपको एक ट्रेन दिया गया था, उसको आपको इसका नाम नहीं बताना था, मगर ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है आपको ये बताना था। ये इसका नाम क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक हिमोवेक ट्रेन है। हिमोवेक ट्रेन एक ट्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये नेगेटिव प्रेशर है इसके प्रिंसिपल पर काम करता है। और एक क्लोज वाला ऑप्शन था आपके, वो राइट था, क्लोज ट्रेन वाला ऑप्शन वो राइट था। आगे बात करते हैं हम। आपको एक इमेज दी गई थी और इसको आपको पहचानना था, तो आपको यहाँ पर फोटो में एक इमेज दिख रही है, इसका नाम क्या है आपको इसको आइडेंटिफाई करना था। तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, मेजर ऑपरेशन के दौरान हम इसका यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं। आपको एक इमेज में ईसीजी दी गई थी, इमेज विद क्वेश्चन में, इसको आपको पहचानना था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाले ईसीजी है वो आपको एग्जाम में दी गई थी। ये नीचे वाले ईसीजी किसकी है, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ईसीजी है। आपको यहाँ पर ईसीजी में एबनॉर्मल ईसीजी दिख रही है, वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ईसीजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर राइल्स ट्यूब की यहाँ पर एक इमेज दी गई थी, उसको आपको पहचानना था, तो इसका आंसर होगा राइल्स ट्यूब, ठीक है। आगे बात करते हैं। राइल्स ट्यूब के मदद से हम पेशेंट को फूड दे सकते हैं, पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं, वो उसको हम राइल्स ट्यूब की मदद से हम दे सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल आपको एग्जाम में पूछा था कि नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है 3.5 से 15.1 मिली इक्विलीटर पर लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि ये कॉपर टी का आपको लाइफ स्पैन पूछा था कि Cu 380A, इसका लाइफ स्पान कितना होता है। आपको जैसे ऑप्शन दिए गए थे कि 3 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन सी 8 ईयर और ऑप्शन डी 10 ईयर। तो Cu 380A का लाइफ स्पान है 10 ईयर होता है, तो आपको यहाँ पर डी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ampule ऑक्सीटॉक्सिन हाउ मेनी यूनिट। तो एक एम्प्यूल ऑक्सीटॉक्सिन में कितने यूनिट होते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। आपको ऑप्शन में दिया गया था कि 2 यूनिट, ऑप्शन बी 5 यूनिट, ऑप्शन सी 10 यूनिट और ऑप्शन डी 3 यूनिट। ऐसे कुछ आपको ऑप्शन दिए गए थे। ये ऑप्शन हमने अपनी अपने हिसाब से बनाए हुए, ये ऐसे ऑप्शन है, आपको ऐसा फिक्स नहीं करना, मगर आपको ऑप्शन से आइडिया मिल जाए, इसीलिए हमने ऑप्शन बनाए हैं। तो एक एम्प्यूल ऑक्सीटॉक्सिन में 10 यूनिट होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइज फॉलिस कैथेटर यूज इन एडल्ट फीमेल। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि एडल्ट फीमेल में हम कौन सी साइज का फॉलिस कैथेटर यूज करते हैं। तो एडल्ट फीमेल में हम जो 14 से 16 फ्रेंच साइज वाला फॉलिस कैथेटर है वो यूज करते हैं, 14 से 16 वाला यहाँ पर यूज करते हैं एडल्ट फीमेल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 101.2 फेरनेट को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना था। आपको नीचे ऑप्शन में दिख गए ये ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए 37 सेल्सियस, ऑप्शन बी 38.4, ऑप्शन सी 38.88 और ऑप्शन डी 39 सेल्सियस। आपको ये ऑप्शन दिए गए थे, इसको आपको फेरनेट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना था। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फेरनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। ये फॉर्मूला आपको आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, फिर हमको हमारी फेरनहीट कितनी थी, तो हमारी फेरनहीट थी 101.2 थी, ठीक है। हमने यहाँ पर फेरनहीट की जगह ये रीडिंग हमारी लिख दी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हमने 101.2 में से 32 यहाँ पर माइनस किए, तो कितने आए हमारे 69.2 यहाँ पर आए। इसको भी हमने निचले आप नीचे वाले स्टेप में देख सकते हैं, वो भी हमने लिख दिया और हमारा आंसर टोटली बनता है 38.4। तो ये कौन सा वाला हमारा यहाँ पर राइट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा दूसरा वाला 38.4 वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फेरनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फेरनहाइट में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन हर एक स्टाफ नर्स की एग्जाम में आते हैं। इसके आगे भी एक स्टाफ नर्स की एग्जाम में एग्जाम थी, उसमें ये सब क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच वैक्सीन नॉट गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट, यहाँ पर कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसे हम इंट्रामस्कुलर रूट से नहीं दे सकते। आपको क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पर दो तीन ऑप्शन इसके अलावा थे। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो पोलियो वैक्सीन है, इसे हम इंट्रामस्कुलर रूट से नहीं दे सकते। पोलियो में भी दो तरह की वैक्सीन होते हैं, पोलियो सेबिन और पोलियो साल्क। जो पोलियो सेबिन वैक्सीन है हम पेशेंट को ओरली देते हैं और पोलियो साल्क वैक्सीन है वो पेशेंट को इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। आगे बात करते हैं। ईडीडी कैलकुलेट बाय विच फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो एक ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए हम नेगल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ आपको मालूम ही होगा इस ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी एलएमपी होती है, लास्ट मैच्योरेशन पीरियड की जो डेट होती है, उसमें हम 9 मंथ ऐड करते हैं और 7 डे ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हैंड स्क्रब का आपको यहाँ पर टाइम पूछा था, तो हैंड स्क्रब का टाइम आपके ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर जो 20 to 30 सेकंड वाला ऑप्शन था वो राइट था हैंड स्क्रब के लिए। आगे आपको बात करते हैं, तो बर्न्स से दो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में ये पूछा था, मैं आपको शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में लिखा था कि बर्न्स पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए हम कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं, उसका मैनेजमेंट बर्न पेशेंट के लिए कौन सा फ्लूइड हम यहाँ पर उसको मैनेजमेंट के लिए देते हैं। तो बर्न्स पेशेंट में उसको हम RL देते हैं। ठीक है, सिंगल लैक्टोज यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर एक आपको यहाँ पर बर्न्स की एक डिग्री पूछी थी, आपको कितनी डिग्री बर्न्स है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था। आपको यहाँ पर पेरिनियम एरिया का बर्न पूछा था, तो पेरिनियम एरिया का बर्न होता है 1% होता है 1%। ठीक है, आपको रूल ऑफ 9 अच्छी तरीके से समझ लेना है। आगे बात करते हैं। विच गैस यूज्ड इन लेप्रोस्कोपी, पेशेंट की लेप्रोस्कोपी सर्जरी में हम कौन सा गैस यूज करते हैं। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी में हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, कौन सी क्रेनियल नर्व है जो हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर तो आपकी ऑप्शन थे ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्शन बी ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन सी वेगस नर्व, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो यहाँ पर हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका यहाँ पर ऑप्टिक नर्व है वो आंसर राइट था। आगे बात करते हैं। एपिजियोटॉमी डन एट, एपिजियोटॉमी कब करते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन था। और ऑप्शन में आपको जो हमारे लेबर के स्टेज होते हैं जैसे कि डिसेंट होते हैं, फ्लेक्शन होता है, एंगेजमेंट होता है, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। और यहाँ कौन सा आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन था, यहाँ पर क्राउनिंग वाला ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन था। एपिजियोटॉमी अब कब करते हैं, जब पेशेंट क्राउनिंग होती है बच्चे की, तब हम एपिजियोटॉमी करते हैं। आगे बात करें। PPH का कुछ क्वेश्चन था कि सेकेंडरी PPH किसे टाइम में किसे बोलते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ऐसे कुछ आपको चार ऑप्शन थे। तो आपको मैं PPH के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पोस्ट पार्टम हेमरेज PPH को बोलते हैं, प्राइमरी PPH और सेकेंडरी PPH, ऐसे दो PPH होते हैं। जो 24 आवर तक PPH होता है इसको हम प्राइमरी PPH बोलते हैं, और 24 आवर के बाद 6 वीक तक जो PPH होता है उसको हम सेकेंडरी PPH बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर जो 24 आवर्स टू से 6 वीक वाला ऑप्शन था उसको हम सेकेंडरी PPH बोलते हैं। आपका जो ई वाला ऑप्शन था वो राइट था, 24 आवर टू 6 वीक। नेक्स्ट, कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का कॉज था, तो यहाँ पर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वो सर्वाइकल कैंसर का कॉज हो सकता है, वो ऐसा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच मेडिकेशन यूज्ड एज अ टोकोलाइटिक एजेंट, कौन सी मेडिकेशन है जिसे हम टोकोलाइटिक एजेंट के यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आपको यहाँ पर ध्यान में रखने थे, ऑक्सीटोक्सिन और MgSO4। तो आपको मालूम ही होगा MgSO4 टोकोलाइटिक एजेंट है।
आगे बात करते हैं, ठीक है। सीवियर रिहाइड्रेशन साइन इन चिल्ड्रन पीडियाट्रिक में से दो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हुए, एक ही स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो सीवियर रिहाइड्रेशन का साइन क्या होता है, वो भी चिल्ड्रन चाइल्ड में, बच्चे में, शक्कन आई से वो सीवियर रिहाइड्रेशन का साइन है। यहाँ पर आपको LBW पूछा था कि लो बर्थ वेट कितना होता है, तो 2.5 से लेस देन वेट होता है, इसको हम लो बर्थ वेट भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, आपको यहाँ पर एक्लेम्सिया का यहाँ पर ड्रग पूछी थी, तो एक्लेम्सिया में हम MGSO ऊपर देते हैं, ठीक है। और कांगारू KMC से क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था मुझे मालूम नहीं है, मगर क्या एक क्वेश्चन था कि मेंटेन टेम्परेचर ऑफ बेबी, बेबी का जो हाइपोथर्मिया है इसको प्रिवेंट करने के लिए, बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम KMC कांगारू मदर केयर देते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक आपको क्वेश्चन पता हो तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।